हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मधिया जावेद और आप देख रहे हो मैड सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेयर केयर के ऊपर। हेयर केयर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करने में। तो जब तक आपके हेयर का टेक्सचर अच्छा नहीं होता, आपकी ब्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी पेशी रह जाती है। तो अगर आप अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना चाहते हो, अपनी ब्यूटी में चार चांद लगा देना चाहते हो, तो अपने हेयर केयर लाजमी किया करें। दोस्तों, हम लोगों में से कोई इतना साफ़ सुथरा नहीं है जिसने कोई भी कभी भी केमिकल ट्रीटमेंट ना करवाई हो। कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई ना कोई तजर्बा हम अपने हेयर्स के साथ करते रहते हैं। किसी के हेयर्स हमें अच्छे लगे तो हाँ भाई ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं भी अपने बालों पर करवाती हूँ तो मैं भी कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोग देखा देखी जो है ना बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अपने हेयर्स पे करवा लेते हैं और इन दी एंड क्या हमें हासिल हसूल होता है, हमें वो चश्के शश्के तो मिल जाते हैं लेकिन हमारे बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। जब भी कोई ट्रीटमेंट अलग से करवानी पड़ती है, हमें अपने बालों को कट डाउन करना पड़ता है और कट डाउन जो है वो हमारे बालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, हमारे बालों को डेड कर देता है। तो जब आपके बाल डेड हो जाती हैं, उसमें कोई मतलब कुछ भी नहीं रह जाता ना, तो मतलब उनको रिपेयर करना बड़ा ही टफ हो जाता है। 10-15 मिनट की बात होती है आपके बालों को डेड होने में और सालों लग जाते हैं अपने आपके बालों को रिपेयर होने में। तो पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा है। जब भी मैंने कट डाउन करवाया, मेरे बालों का बेड़ा गर्क हुआ है और मुझे मतलब कुछ दिन तो अच्छा अच्छा लग जाता है लेकिन फिर बहुत बुरा लग रहा होता है कि हाय मैंने क्यों करवा दिया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप लोग भी सोचते होंगे हाय मैंने ये क्यों करवा दिया। तो फ्रेंड्स, करवाना भी है क्योंकि अब मज़े भी तो लेने हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अपने बालों को अच्छा करना चाहते हो, रिपेयर करना चाहते हो और ये सब एक्सपेरिमेंट्स भी साथ साथ लेकर करना चाहते हो, तो हेयर केयर ज़रूर फॉलो करना है। आपने अपनी हेयर्स की केयर करनी है क्योंकि जब तक आप अपने हेयर्स की केयर नहीं करोगे ना, तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे इन दी एंड और आपकी ब्यूटी जो है वो डी इनहेंस हो जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आप अपनी ब्यूटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने हेयर केयर को ज़रूर जो है वो अपनी हेयर केयर रूटीन को फॉलो करो और हेयर मास्क अप्लाई करो। मैं नहीं कह रही मेरे वाला हेयर मास्क अप्लाई करो, कोई भी हेयर मास्क है, कुछ भी है, अपने हेयर्स के लिए ज़रूर अप्लाई करो और इन नेचुरल वे में अप्लाई करो। केमिकल्स वाली ट्रीटमेंट्स मत करवाओ। केमिकल से वही होगा कि आपके बाल इंस्टेंट सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा मतलब लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट उसका नहीं होगा। तो नेचुरल वे में जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, रिलायबल होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक नेचुरल वे में हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को पहुँचाएगी। पर्सनली मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। तो आप लोग भी मस्ट ट्राई कीजिए, मस्ट फॉलो कीजिएगा इस हेयर केयर रूटीन को। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जाकर देखते हैं कि हम लोगों ने ये हेयर मास्क, हेयर पैक किस तरह से बनाया है और किस तरह से अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स, हेयर पैक बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है ज़रा अपने पास आप नोट कर लें। हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए हैं 2 स्पून राइस के। राइस आपको पता है कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स में राइस का इस्तेमाल होता है। इसके बेनिफिट्स गिनवाने की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर राइस के ले लिए हैं और साथ ही इसके लूँगी मैं मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपके बालों को थिक बनाता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्कैल्प को मजबूत करता है, साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। बाल लंबे करना चाहते हो तो मेथी दाने से बेस्ट और कोई चीज़ नहीं है। तो 2-2 चम्मच हमने चावल के लिए हैं, 2 चम्मच मेथी दाने के लिए हैं। अब इसको 1 गिलास पानी के अंदर डिप करके हम लोगों ने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, लेकिन इनको वॉश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेथी दाना और राइस को अच्छे से वॉश कर लेने के बाद आपने ओवरनाइट के लिए डिप करना है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग होगी, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी सी ग्रीसी टाइप हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने इसका जो वाटर है उसको अलग कर लेना है, अलग करके किसी बॉटल में डाल लेना है और इसके जो ये सीड्स हैं इसमें कुछ पानी छोड़ देना है और इसको आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है।
ये जो राइस और फेनुग्रीक वाटर है, आपने इसको इस तरह की स्प्रे बॉटल में डाल देना है और ये एज अ टोनर, हेयर टोनर आपके बालों में वर्क करेगा। और ये जो सीड्स हैं इनका पेस्ट इस तरह से बना लेना है, पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए वरना आपके बालों में जो है ना वो रह जाएगा। तो इस तरह का जब स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे मायनीज। मायनीज आपने 1 से 2 चम्मच ऐड करने हैं। मायनीज एज अ प्रोटीन वर्क करेगा, मायनीज में आपको पता है प्रोटीन्स होते हैं, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें थोड़ा सा मायनीज ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच के मुताबिक। अब साथ ही इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। योगर्ट आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है, तो 2 चम्मच दही के ऐड करेंगे और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। आप अपना फेवरेट कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसमें आंवला ऐड करेंगे। आंवला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डालें, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आंवला आपको पता है कि हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर आंवला पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह का स्मूथ सा पेस्ट बनकर आपके पास तैयार हो जाएगा। अब यहाँ हमने टोनर भी बना लिया और हमारा हेयर पैक भी रेडी है। ये आपके हेयर्स को फर्स्ट क्लास बना देगा। इसको अप्लाई किस तरह से करना है, आपने अपने बालों को सबसे पहले टैंगल फ्री कर लेना है। उसके बाद जब भी आप शॉवर लेने जाएं, शॉवर लेने जाने से तकरीबन 20 मिनट पहले आपने इस स्प्रे को अपने पूरे बालों पर अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से आपके रूट्स में इसकी अप्लाई करना है। इसी तरह से रूट्स के बाद आपने अपने हेयर लेंथ पर भी इसको अच्छे से अप्लाई करना है। 20 मिनट बाद आपने नॉर्मल शॉवर ले लेना है। ये काम तो आपने करना है रेगुलर बेसिस पर। अब ये जो पैक है ये आपने अल्टरनेट डेज़ में अप्लाई करना है या वीक में 2 मरतबा आपको लाजमी अप्लाई करना है। इस पैक को आपने अपने पूरे ओवरऑल हेयर्स में अप्लाई करना है, एक भी जगह आपकी ड्राई नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से अप्लाई करके इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और फिर आपने नॉर्मल टैप वाटर के साथ अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ। इस हेयर केयर रेजीम को आपने वीकली फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करते रहे तो विद इन अ मंथ आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।